हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ वानी क्लासेस इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर टू ऑफ टेंथ प्लस टू एन बायोलॉजी लास्ट वीडियो में हमने फ़र्स्ट चैप्टर इसका डिस्कस किया था ट्वेल्थ का ही जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स और आप लोगों के कमेंट आए कि हाँ ये सीरीज़ चलती रहनी चाहिए तो इसी मैं चैप्टर टू तो भी लेकर आई हूँ आगे बाकी चैप्टर भी हम इसके कवर करेंगे एन सी बायोलॉजी के ओके okay. तो ये चैप्टर है हमारा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लारिंग प्लांट्स ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी एच पी वालों के लिए भी मेडिकल वालों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड टी जी टी मेडिकल कमीशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ओके okay. तो पहले हम जो मेन इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं इस चैप्टर की हम वो देखेंगे उसके बाद हम कुछ एम सी भी देखेंगे ओके okay, तो सबसे पहले आता है हमारे पास फ्लार का स्ट्रक्चर जो हम छोटी क्लासेस से ही देखते आ रहे हैं ओके okay? सबसे बाहर होती है हमारे फूल में सेपल्स ओके okay? सेपल के अंदर होती हैं पेटल्स जिनको पंखुड़ियाँ बोलते हैं जो कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का जिससे अट्रैक्ट होते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी ओके okay? देन आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट जिसको हम स्टेमन कहते हैं जो बनता है एंथर एंड फिलामेंट को मिलाकर ओके एंथर एंड फिलामेंट को बनाकर मिलाकर बनता है स्टेमन जिसको हम एंड्रोशियम भी कहते हैं ओके okay, एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको कहते हैं पिस्टल जो बनता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंड ओव्यूल से मिलकर और इसको हम कहेंगे गाइनोशियम भी क्लियर ये है हमारा स्टिग्मा इट इज स्टाइल ये ओवरी है और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स क्लियर एंड जो ओवरी है जब फ्लावर मेच्योर हो जाता है तो ओवरी किस में कन्वर्ट होती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है ओवरी मेच्योर होकर बनती है फ्रूट जबकि जो ओव्यूल हैं वो बनाते हैं सीड ओके वन मार्क का क्वेश्चन आ जाता है आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हमारा अब स्टेमन का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से होता है स्टेमन बनते हैं हमारे एंथर को मिलाकर ठीक है ये है हमारा एंथर जो मेनली एंजियोस्पर्म्स का एंथर होता है वो बायोलॉब्ड होता है ठीक है एंड ये है हमारा फिलामेंट जो स्टॉक है सिलेंडर स्टॉक है जिसको हम फिलामेंट कह कहते हैं ओके एंड जो एंथर है ये इसको कट करके बताया गया है ये होते हैं हमारे पोलन सैक्स क्या होते हैं पोलन सैक जब हम एंथर को कट करते हैं तो यहाँ पर हमें पोलन सैक्स दिखते हैं ठीक और पोलन सैक्स के अंदर क्या होते हैं पोलन सैक्स के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स क्लियर ना स्ट्रक्चर है एंथर का ओके okay. तो एंथर के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे ठीक है जो एंथर है हमारा अगर हम पहले इस वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जो एंथर है हमारा उसमें फोर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं ठीक है ये है माइक्रोस्पोरेंजिया दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते, है, होते हैं यही डेवलप होते हैं पोलन सैक्स में जिन पोलन सैक्स में होते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स ओके अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं इनकी जो लेयर है चार लेयर्स होती हैं इसमें ठीक है चार लेयर्स यहाँ पर इन्होंने दिखाई है सबसे जो बाहर वाली लेयर है वो होती है एपिडर्मिस अगर आप देख पा रहे हैं ये एनलार्ज व्यू है सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको कहेंगे एपिडर्मिस उसके बाद आती है एंडोथीशियम उसके बाद आती है मिडल लेयर्स दो तीन मिडल लेयर्स होती हैं और सबसे अंदर होती है टेपेटम कितनी लेयर्स आ गई चार लेयर्स आ गई एपिडर्मिस एंडोथीशियम मिडल लेयर्स एंड टेपेटम ठीक है ये जो तीन लेयर्स हैं कौन कौन सी एपिडर्मिस एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स ये काम करती हैं प्रोटेक्शन में ठीक है जो एंथर है इसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं और डिहिसेंस में हेल्प करती हैं ठीक है प्रोटेक्शन एंड डिहिसेंस में हेल्प करती हैं ये जबकि जो हमारी टेपेटम है जहाँ से क्वेश्चन आता है टैपेटम क्या काम करती है जो टेपेटम है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ठीक है क्या करती है टैपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और और किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होंगे ओके जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होंगे उन्हीं को टैपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी और यही क्वेश्चन पूछा जाता है क्लियर है तो फर्स्ट तीन लेयर्स का काम समझ आ गया प्रोटेक्शन में और डेहीस में हेल्प करेंगी और टेपेटम नरिशमेंट देगी हमें ओके okay. अब एक होता है हमारे पास स्पोरोजीनस टिशू अगर आप देख पा रहे हैं ओके okay, यहाँ पर है स्पोरोजीनस टिशू स्पोरोजीनस टिशू क्या है ये सेल्स का एक ग्रुप है जो कंपैक्टली अरेंज होती हैं जिसको हम स्पोरोजीनस टिशू बोलेंगे और ये कहाँ पर होती है जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके बिल्कुल सेंटर में ठीक है माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल सेंटर में होता है स्पोरोजीनस टिशू ये स्ट्रक्चर आपको दोनों क्लियर हो गए ए एंड बी एंड जो थर्ड है वो मैच्योर डेहिस्ट एंथर का है जहाँ पर जो एंथर है वो मैच्योर हो गए और पोलन ग्रेन जो हैं वो रिलीज हो रही हैं यहाँ एंथर से ठीक है ओके okay, ना पोलन ग्रेन जो पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज हो गए उनका हम स्ट्रक्चर देखेंगे जो पोलन ग्रेन है उसको मेल गैमिटोफाइट भी कहा जाता है क्या कहा जाता है पोलन ग्रेन को मेल गैमिटोफाइट कहा जाता है ठीक है और जो पोलन ग्रेन है ये जनरली स्फेरिकल शेप्ड होता है और इसका डायमीटर अबाउट ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी माइक्रोमीटर होता है ठीक है इसकी दो लेयर्ड वॉल होती है टू लेयर्ड वॉल होगी और दो लेयर्स कौन कौन सी एग्जाइन दिस वन एग्जाइन जैसे नाम से पता लग रहा है एग्जाइन मतलब बाहर वाली लेयर फिर आती है इंटाइन इंटाइन यानी कि अंदर वाली लेयर ठीक है एग्जाइन एंड इंटाइन जो एग्जाइन है वो किसकी बनी होती है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है एग्जाइन है वो बनी होती है स्पोरोपोलिन की किसकी स्पोरोपोलिन की जबकि जो इंटाइन है वो बनी होती है सेल्यूलोर्स एंड पैक्टिन की क्लियर ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है जो एग्जाइन है वहाँ पर जर्म पोर्स होते हैं और जहाँ पर पोर्स होंगे उस जगह पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है और बाकी हर जगह पर जो स्पोरोपोलिन है वो प्रेजेंट होगी ठीक है जबकि जो एंटाइन है उसकी कंप्लीट लेयर होती है इनर लेयर ठीक है अब जो हमारा पोलन ग्रेन है उसमें दो तरह के सेल्स देखने को मिलेंगे आपको वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल ठीक है कौन कौन से सेल वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल ओके okay. जो वेजिटेटिव सेल होगा वो बिगर होगा और उसमें अंबेंडेंट फूड रिजर्व होगा जबकि जो जनरेटिव सेल है वो छोटा होगा ठीक है तो ये आ गया हमारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एंड एक और पॉइंट है दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रो स्पोरोजेनेसिस ठीक है इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द पोलन मदर सेल्स ओके फॉर्मेशन ऑफ वट फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द पोलन मदर सेल थ्रू मियासिस इस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्लियर है इतना अब हम देखेंगे पिस्टल का स्ट्रक्चर पिस्टल के पार्ट्स हमने पीछे देखे थे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंड ओव्यूल हमारे ओके okay. जो ओव्यूल है उसको मैगास्पोरजम भी कहते हैं ये आपको याद रखना है और यहाँ पर होता है प्रोसेस मैगापोरोजेनिस जैसे पीछे था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस uh, यहाँ पर है मैगापोरोजेनेसिस सो वट इज मैगास्पोर इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मैगास्पोर फ्रॉम मैगास्पोर है थ्रू मियोस ओके अब कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी देखेंगे हम यहाँ पे अगर फ्लावर में सिर्फ एक ही पिस्टल होती है यानी कि सिंगल पिस्टल कंडीशन है उसको हम कहेंगे मोनो कार्पिलरी क्या कहेंगे सिंगल पिस्टल है फ्लार की तो फ्लार में तो उसको हम कहेंगे मोनो कार्पिलरी. अगर मैनी पिस्टल्स हैं तो हम उस फ्लार को कहेंगे मल्टी कारपिलरी कंडीशन यहां पर होगी क्लियर और अब ये वन से ज्यादा जो पिस्टल्स हैं अगर ये फ्यूज होंगी तो उस कंडीशन को हम कहेंगे सिंकार्पस क्या कहेंगे सिंकार्पस और अगर ये फ्री होंगी जो पिस्टल है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एपोकार्पस क्लियर सिंगल पिस्टल मोनोकारपिलरी मैनी पिस्टल्स मल्टी कार्पिलरी और अगर ज़्यादा पिस्टल्स हैं और वो फ्यूज हैं तो सिन कार्पस और अगर वो फ्री हैं तो एपोकार्पस ठीक पिस्टल के बाद आता है ओव्यूल जिसको हम कहेंगे मेगास्पोरेंजियम भी ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं हम ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ओव्यूल का और ये डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल्स हैं ओके पहले हम जो मेन ओव्यूल का स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे जो ओव्यूल है उसके अंदर होता है सैक। क्या होता है सैक? दिस इज सैक। ओके एंड ओव्यूल के दो एंड्स होते हैं माइक्रोपाइल एंड एंड चलेजल एंड माइक्रोपाइल एंड टिप पर होता है जहाँ पर स्मॉल ओपनिंग होती है जबकि जो चलेजल एंड है वहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं होती है क्लियर एंड जो फ्यूनिकल है इसकी हेल्प से ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है ठीक है और वो रीज़न जहाँ पर ओव्यूल फ्यूनिकल के साथ अटैच होता है उसको हम कहेंगे हाइलम ठीक है ये रहा हमारा हाइलम एंड ओव्यूल में एक या दो प्रोटेक्टिव एनवल्ब्स हो सकते हैं जिसको कहा जाता है इंटेग्यूमेंट्स ठीक है ये जो बाहर वाले इनवल्ब्स हैं इनको कहा जाता है इंटेग्यूमेंट्स टेन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर होता है न्यूसेलस जो आप ये देख रहे हैं अब बीच में आता है एम्प्रियोसैक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आता है आपको जो माइक्रो एंड होता है उस साइड में होते हैं हमारे सिनर्जिट्स ठीक है दो सिनर्जिट्स होते हैं और उनके बीच में होता है एक जिसको ओसफेयर कहा जाता है एंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सिनर्जिट्स होते हैं वहाँ पर एक स्पेशल थिकनिंग होती है ठीक है और उस थिकनिंग को क्या कहते हैं वो क्वेश्चन है हमारे पास फिलीफॉम अप्रेटस ओके okay, तो ये आपको नोट कर लेना है सिनरज में थिकनिंग होती है जिसको फिलीफोम अप्रेटर्स कहा जाता है और ये जो अप्रेटर्स है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि जो पोलन ट्यूब है वो इन सिनरजिड्स से होकर जो ओब्यू जो एम्ब्रिय है हमारा उसमें एंटर करे और एक को आकर फर्टिलाइज़ करे क्लियर एंड इसके ऑपोजिट पर होते हैं एंटीपोडल सेल्स ठीक है दूसरी साइड पर होते हैं हमारे एंटीपोडल सेल्स और बीच में होते हैं हमारे दो पोलर न्यूक्लियाई ठीक है सेंट्रल सेल में होते हैं दो पोलर न्यूक्लियाई ओके तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं और कितने सेल्स होते हैं ठीक है तो पहले हम न्यूक्लियस काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट न्यूक्लियस एंड सेल्स कितने होते हैं एंटीपोडल सेल्स तीन हो गए हमारे पास ठीक है दो सिनर्जिड्स हो गए और एक एग हो गया तीन सेल्स ये हो गए तो टोटल सिक्स सेल हो गए और बीच में है हमारा सेंट्रल सेल ठीक है इस सेंट्रल सेल में ही दो हमारे पोलर न्यूक्लियाई है तो टोटल हो गए हमारे सेवन सेल्स ठीक है तो एम्ब्रियोसेग की जो कंडीशन होती है एनजियोस्पर्म्स में वो होती है एट न्यूक्लिएट एंड सेवन सेल्ड कंडीशन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्लियर तो ये है हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर ओव्यूल अलग अलग टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन जैसे पहला है एट्रोपस या फिर ओर्थोट्रोपस को बोलेंगे स्ट्रेट देन एनाट्रोपस पूरा इन्वर्टेड एम्फीट्रोपस हेमी एनाट्रोपस कैम्पाइलोट्रोपस और लास्ट होता है ड्रॉपर्स, ओके okay? तो ये भी आपको याद होना चाहिए अब इस चैप्टर में है हमारे पास आगे पॉलिनेशन। कि पॉलिनेशन क्या होती है सो वी ऑल नो दैट पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल एंथर से स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है उसको पॉलिनेशन कहते हैं जैसे हमारे पास ये फ्लावर है इस पर हैं पोलन ग्रेनस पोलन ग्रेनस होते हैं हमारे एंथर्स में जैसे कि आपने पीछे डायग्राम में देखा और अलग अलग एजेंट्स की हेल्प से पॉलीनेशन हो सकती है तो जैसे यहाँ पर जो बी है यानी कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलीनेशन हो रही है ठीक है और पोलन ग्रेन जो है अब स्टिग्मा पर चले गए तो यहाँ पर होगी पॉलीनेशन क्लियर नाउ टाइप्स ऑफ पॉलीनेशन जो पॉलीनेशन है वो अलग अलग तरह की होती है मेनली यहाँ पर हमने सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात की है जो सेल्फ पॉलीनेशन है हमारी उसमें एक आती है हमारी ओटोगैमी ठीक है ओटोगी ओटोगैमी यानी कि जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र उस ही फ्लार के एंथर से स्टिग्मा पर हो ठीक है यानी कि एक ही फ्लावर में पॉलीनेशन हो रही है उसको हम कहेंगे ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन का ये टाइप है विद इन सेम फ्लावर पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन का एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं गिटोनोगैमी यानी कि एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो रही है एक फ्लावर के एंथर से ग्रेन गए उस ही प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर उसको हम कहेंगे गिटोनोगैमी ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है देन आती है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी जिसको हम बोलेंगे जीनोगैमी में क्या होता है कि जो ट्रांसफ़र होता है ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू तो स्टिग्मा वो एक प्लांट के फ्लार से किसी दूसरे प्लांट के फ्लार तक होता है उसको हम कहेंगे जीनोगैमी क्लियर तो ये हमारी टाइप है पोलिनेशन की ये आपको याद रखनी होगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है क्लियर ना एजेंट्स आते हैं पॉलीनेशन के यहाँ से तो पक्का क्वेश्चन आता है अगर आप टैट में भी देखेंगे तो आपको इस तरह का क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा ठीक है एजेंट्स अलग अलग होते हैं पॉलिनेशन के सबसे पहले आती है एनीमोफिली एनीमोफिली में जो पॉलीनेशन होती है वो विंड के थ्रू होती है ठीक है विंड से जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो उड़ते हैं एंड देन स्टिगमास पर पहुँच जाते हैं ठीक है तो पोलिनेशन थ्रू विंड इसकॉल्ड एज एनीमोफिली देन आती है हाइड्रोफीली हाइड्रोमीन्स वाटर जो पोलिनेशन वाटर के थ्रू होती है उसको हम हाइड्रोफीली कहेंगे ठीक है हाइड्रोफीली के एग्जाम्पल्स हैं जैसे वेलिसनेरिया हो गया हाइड्रीला हो गया ठीक है तो ये सारे वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स हैं देन अगर हम एनीमोफीली की बात करें तो उसमें आती हैं ग्रासीस हमारी उसके बाद आती है एंटोमोफीली एंटोमोफिली में जो पॉलीनेशन होती है वो होती है इंसेक्ट्स के थ्रू ठीक है पोलीनेशन वाया इंसेक्ट्स उसके बाद आती है ऑर्निथोफिली ऑर्निथो यानी कि बर्ड्स तो पॉलीनेशन जहाँ पे बर्ड्स के थ्रू होगी उसको हम कहेंगे ऑर्निथोफिली देन आती है मेलेकोफीली मेलेकोफीली में होती है पोलिनेशन थ्रू स्नेल्स एंड एंड में कायटेरोफीली कायरपटेरोली में पॉलीनेशन होती है थ्रू बैट्स ओके तो ये कुछ एजेंट्स हैं पॉलीनेशन के जो हमें याद रखने होंगे और यहाँ से क्वेश्चन आता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन अब पॉलिनेशन तो हो गई उसके बाद होनी है फर्टिलाइजेशन ओके तो प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है जिसको डिस्कवर किया था नवास्ट्रीन ने ओके तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है डबल फर्टिलाइजेशन हम इस फर्टिलाइजेशन को क्यों कहते हैं वो हम देखेंगे पहले ओके okay? तो डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे स्टिग्मा पर आ गया पोलन ग्रेन थ्रू पोलिनेशन ठीक है पोलन ग्रेन आ गया उसने बना ली पोलन ट्यूब जो हमारी स्टाइल है उस पर बना ली इसने पोलन ट्यूब अब जो पोलन ट्यूब है जिसमें है हमारे पास मेल गेमिट्स दो मेल गेमिट्स हमारे पास आए अब इन्होंने एंटर किया जो माइक्रो एंड है इस एंड से जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो अलग अलग एंड से एंटर करते हैं ये बट यहाँ पर हमने माइक्रोपाइल से शो किया है सिनर्जिस की हेल्प से इन्होंने एंटर किया और जब एक मेल गैमीट फ्यूज होता है एग के साथ ठीक है जब एक मेल गैमीट फ्यूज होता है एग सेल के साथ उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी क्लियर हमारे पास दो मेल गैमीट्स आए पोलन ट्यूब के थ्रू एक मेल गैमीट ने तो फ्यूज कर लिया एग के साथ इसको कह दिया हमने सिनगैमीट अब जो दूसरा मेल गैमीट है जो हमारे पास रहता है वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो सेंट्रल सेल में है ठीक है तो हमारे पास हो गए दो पोलर न्यूक्लियाई और एक हो गया हमारे पास मेल गैमीट अब इस फ्यूजन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन जहाँ पर एक मेल गैमीट फ्यूज करता है दो पोलर पोलर न्यूक्लियाई के साथ इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को इकट्ठे कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन तो सिनगैमी का जो प्रोसेस है उससे बनेगा क्या जाइगोट सिमी के प्रोसेस से बनेगा जाइगोट एंड ट्रिपल फ्यूजन के प्रोसेस से बनेगा प्राइमरी एंडोस्फर्म न्यूक्लियस क्या बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ठीक है शॉर्ट में हम इसको ई एन -E भी बोल सकते हैं तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना और जाइगोट बना उसी को हमने कह दिया डबल फर्टिलाइजेशन क्योंकि इसमें दो तरह की फ्यूजन हुई सिंगी हुई और ट्रिपल फ्यूजन हुई और जो सेंटर सेल हमारे पास रहेगी ये ट्रिपल फ्यूजन के बाद बन जाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और ये डेवलप होती है इन टू ठीक है और जो जाइगोट है ये डेवलप होता है एम्ब्रियो में ठीक है ये बनाता है एम्ब्रियो और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वहाँ से बनता है एंडोस्पर्म तो आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा अब एम्ब्रियो बन गया एम्ब्रियो कहाँ से बना इगोट से ठीक है जाइगोड से बनेगा एम्ब्रियो अब डाइकोट्स का जो एम्ब्रियो है वो मोनोकोट के एम्ब्रियो से अलग होगा जो फर्स्ट डाइग्राम आप देख रहे हैं ये एक डाइकोट का एम्ब्रियो है एंड सेकेंड जो है वो मोनोकोट का एम्ब्रियो है किसी एक ग्रास का एम्ब्रियो है जो एम्ब्रियो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे बनता है क्योंकि वहीं पर ही जाइगोट बना जो स्टार्टिंग के डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं वो मोनोकोट और डाइकोट में सिमिलर ही होते हैं बट बाद में ये जो स्टेजेस हैं वो दोनों में अलग अलग हो जाते हैं और दोनों के जो एम्ब्रियो है वो दिखने में भी अलग अलग होते हैं फर्स्ट है हमारे पास डाइकोट एम्ब्रियो जिसमें दो क्वाटरलीडन हैं डाइकोट यानी कि डाई मतलब टू कोट मतलब क्वार्टरिडर्स तो डाइकोट्स में दो क्वार्टीडर्स मतलब मतलब है, तो होते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वन एंड सेकेंड दो कोटलीडं इसमें होते हैं देन इसमें होती है एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। हाइपो यहां पर बताया है जबकि जो एपी है वो ऊपर होगी एंड रेडिकल एंड प्लीम्यूल ठीक है जो रेडिकल है वो रूट बनाएगी आगे चलकर ठीक है और जो प्लीम्यूल है वो आगे चलकर बनाएगी शूट तो ये भी इंपॉर्टेंट है प्लीम्यूल जो है वो आगे चलकर बनाएगी शूट और लैडिकल बनाएगी रूट जब ये जो एम्ब्रियो है सीड बनेगा और जब ये जर्मिनेट होगा तब ठीक दूसरा है हमारा ग्रास का यानी कि मोनोकोट का एम्ब्रियो मोनोकोट्स में सिर्फ एक ही कॉटोलिडन होता है मोनो मतलब वन कोट कोट मतलब तो सिर्फ एक ही कॉटोलिडन होता है और इनके कॉटलीडन को हम स्कूटेलम भी कहते हैं ठीक है स्कूटेलम भी कहते हैं कोलिपटाइल जो है वहाँ पर होती है शूट एपेक्स एंड जो कोलियोराइजर है वहाँ पर होती है रेडिकल या फिर रूट कैप जहाँ से रूट बनेगी और जो कोलेपटाइल है उस रीज़न से बनेगा हमारी शूट बनेगी ठीक है तो ये एम्ब्रियो के डायग्राम है मोनोकोट एंड डाई के देन आते हैं सीड जो टिपिकल सीड होता है उसमें सीड कोट होता है और कोटलीडन होते हैं अगर मोनो है तो वन एंड डाई है तो टू कोट्स होते हैं टू कोटलिडनस होते हैं एंड एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है ठीक है अगर हम डाइकोट का सीड देखें तो ये इसका माइक्रो एंड है यहाँ पर हाइलम है एंड ये दो क्वॉटलीडन है हमारे एंड प्लेम्यूल जैसे कि मैंने बताया प्लेम्यूल से जो शूट है वो बनेगी और रेडिकल रेडिकल से अगर सीड जर्मिनेट होता है तो रूट बनेगी नीचे मोनोकोट का सीड है मेज़ का सीड है ये इसमें ये है हमारे पास एंडोस्पॉम और बीच में है एम्ब्रियो जिसे हमने पीछे देखा स्कूटेलम कोलिप्टाइल प्लेम्यूल रेडिकल एंड कोलोराइजर तो ये डायग्राम है सीड एंड सीड के अब जो फ्रूट है वो दो तरह का है जहाँ से क्वेश्चन आता है ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट ट्रू फ्रूट वैसे फ्रूट होंगे जो सिर्फ ओवरी से ही डेवलप हुए होंगे जबकि फॉल्स फ्रूट ऐसे होते हैं जो ओवरी के अलावा बाकी पार्ट्स से डेवलप होते हैं उन फ्रूट्स को कहा जाता है फॉल्स फ्रूट ठीक है जैसे अगर फॉल्स फ्रूट का हम एग्जाम्पल देखें तो फॉल्स फ्रूट में आते हैं एप्पल जैसे एप्पल है वो थैलेमस से बना होता है एंड स्ट्रॉबेरी है ये आते हैं हमारे फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट में आता है हमारे पास मैंगो ओके आप बाकी एक एक एग्ज़ाम्पल कमेंट करके बताना ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट का ठीक है ओके अब हो गए हमारे पास जो मेन पॉइंट्स थे इस चैप्टर के वो डिस्कस कर लिए अब चलेंगे कुछ एम से ताकि हमें पता चले कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा पहला क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिपलोइड टिशू इन एनजियोस्पर्म इज ट्रिपलोयड टिशू क्या होगा हमारे पास न्यूसेल्स एंडोस्पर्म एंडोथीशियम या फिर टैपेटम तो न्यूसेल्स तो देख लिया हमने जो आउटर कवरिंग है एंडोस्पर्म भी हमने देख लिया एंडोथीशियम लेयर है और टैपेटम भी लेयर है है ना तो ट्रिपलोय टिशू क्या हुआ ट्रिप्लोय टिश्यू हुआ हमारे पास यहाँ पर एंडोस्पर्म क्योंकि हमें पता है एंडोस्पर्म कैसे बना दो पोलर न्यूक्लियाई प्लस वन मेल गैमीट तो ट्रिप्लॉय टिश्यू बना हमारे पास देन फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट मेल गैमीट की एग के साथ फ्यूजन इन एम्ब्रियोसैक उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन सिन या फिर ओटोगैमी ओके okay, आप फिर से रिकॉल कर सकते हैं जब मेल गैमीट ने एग के साथ फ्यूज हुआ उसको हमने क्या कहा था दो टर्म्स थी हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी तो ये जो प्रोसेस है वो था हमारा सिनगैमी ओके okay, ट्रिपल फ्यूजन जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन थी बट इसको हमने कहा सिनगैमी क्लियर नेक्स्ट एंड टोमोफिल्स आर पॉलिनेटेड बाय हमने पोलिनेशन के एजेंट्स देखे तो एंटोमोफिल्स फ्लावर्स क्या होते हैं वो किसके द्वारा कौन सा एजेंट है उसके थ्रू पॉलिनेट होते हैं बर्ड्स इंसेक्ट्स विंड बैट तो बर्ड्स के थ्रू कौन सी पॉलिनेशन हुई और निथोफिली, इंसेक्ट्स के द्वारा हुई हमारी एंटोमोफिली क्या हुई एंटोमोफिली विंड से एनिमोफिली बैट से कायरुप्टरोफिली तो इंसेक्ट से हुई हमारी एंटोमोफिली ऑप्शन बी ओके सीड डेवलप फ्रॉम स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था सीड किससे बनता है एम्ब्रियो से embryo से ओवरी से या ओव्यूल से ओके okay. तो सीड बनेगा हमारे ओव्यूल से और ओवरी से बनता था हमारा फ्रूट क्लियर ओके विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन विंड पॉलिनेशन किस तरह के प्लांट्स में कॉमन होती है जस्ट तभी बताया लेग्यूम लिलीज ग्रासेस या फिर ऑर्चिड्स विंड पॉलिनेशन ग्रासेस में कॉमन होती है क्योंकि इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं इज़िली हवा से वो उड़ सकते हैं स्पोरोपोलिनिन एन ऑर्गेनिक मटीरियल एंड इज प्रेजेंट इन स्पोरोपोलिन कहाँ पर प्रेजेंट होता था अभी पीछे बात की स्टिग्मा स्टाइल एग्जाइन एंटाइन पोलन ग्रेन जो था हमारा उसकी दो लेर्स थी एग्जाइन इंटाइन तो स्पोरोपोलिन कहाँ था एग्जाइन में एंटाइन में स्पोरोपोलिन था हमारी एक्जाइन में ओके okay? एंड जो एग्जाइन थी वहां पर बीच बीच में छोटे पोर्स थे जम पोर जिनको कहा वहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं था जबकि एक्जाइन में मेनली स्पोरोपोलिन था हमारा ठीक है द फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल एप्पल का वो पार्ट जो एडिबल होता है उसको क्या कहेंगे थैलेमस न्यूसेलस ओवरी एंड उपम तो इस पार्ट को हमने कहा थैलेमस ऑप्शन ए फिलीफॉम अपरेटर्स इज अ करेक्टिस्टिक फीचर ऑफ ये भी इंपॉर्टेंट पीछे हमने डिस्कस कर चुके हैं फिलीफॉर्म अपरेटर्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है सस्पेंसर पे, एग पे सिनरजिट पे या फिर जाइगोट पे। फिलीफॉम अपरेटर्स होता है सिनरजिड्स में सिनरजि कहाँ होते हैं माइक्रो एंड में ठीक है जहाँ पर थोड़ा सा गैप होता है जो न्यू सेलर्स होते हैं वहाँ पर क्योंकि okay? एंड दो सिनर्जिट्स के बीच में होता है एग और सिनरजिड्स किस में हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब की एंट्री को द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम नरिशिंग द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स इज नोन एज जो माइक्रोस्पोरेंजियम था उसके सबसे अंदर वाली लेयर जो पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देती है कितनी लेयर्स होती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की चार लेयर्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं एपिडर्मिज एंडोथीशियम मिडल एयर एंड टैपेटम तो सबसे अंदर वाली होती है टैपेटम और जो टैपेटम है वही नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पॉलिटेन्स को तो राइट आंसर होता है ऑप्शन सी टैपेटम देन मैंगो इज अ तो मैंगो किस तरह का फ्रूट है ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट एग्रीगेट फ्रूट या फिर नैन ऑफ दीज मैंगो है हमारा ट्रू फ्रूट ठीक है क्योंकि वह बनता है सिर्फ ओवरी से ही फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल दे दिया एग्रीगेड फ्रूट का एग्जाम्पल होता है पाइन एपल सो गाइज़ डैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो टेन क्वेश्चन जो थे वो हमने देख लिए एंड जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थी इस चैप्टर की वो देख ली अगर कुछ भी मिसिंग हो गया हो तो आप वो भी बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो भी मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी आए एंड प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो प्रेपरेशन कर रहे हैं एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करके जाना सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर